रंग भरी एकादशी के पावन पर्व पर वृंदावन में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। काफी लोगों ने काफी दूर दूर से आकर वृंदावन की परिक्रमा की और बांके बिहारी के दर्शन किए। लोगों का आना जाना 2 तारीख से ही शुरू हो गया था, जो 2 तारीख की रात को 12 बजे से ही परिक्रमा लगाना चालू कर दिया था। 2 तारीख को पूरे दिन परिक्रमा चलती रही। दिन में चली परिक्रमा 3 तारीख को दिन रात चलती रही। वह पुलिस प्रशासन की कड़ी व्यवस्था रही, जिसमें महानिरीक्षक आगरा, जिलाधिकारी मथुरा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा द्वारा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया एवं श्रद्धालुओं व परिक्रमार्थी को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े, उसके लिए कड़े इंतजाम किए गए। उधर कानपुर से आए पंकज ने बताया कि वह 1 तारीख को ही आ गए थे। उन्होंने बांके बिहारी के दर्शन किए और परिक्रमा लगाए और अपने जीवन को धन्य बनाया। रंग जी मंदिर, बांके बिहारी मंदिर, राधा बल्लभ मंदिर, सभी मंदिरों में शाम के समय होली हुई, जिसे दो देखकर लोग काफी खुश दिखाई दिए। बिहारी जी के मंदिर में रंग में सराबोर होकर दर्शनार्थी अपने को धन्य बना रहे थे। आपका शुभ नाम? हाँ जी, हमारा शुभ नाम नितिन सहनी है। हम कानपुर से आए हैं, सुधा नगर से। और परिक्रमा लगा के आपको कैसा लग रहा है? परिक्रमा लगा के ठाकुर जी का बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। थोड़ा कष्ट हुआ, लेकिन ये तो चलता रहता है कष्ट। लगभग कितनी देर में परिक्रमा हो जाती है? लगभग 4.5 से 5 घंटे में हमने पूरी करी है। केसी घाट के पास थोड़ा माहौल अव्यवस्थित हुआ था, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने मार्ग परिवर्तित कर दिया है परिक्रमा का। लेकिन अब परिक्रमा करने के बाद अब बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है। ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। शाम को हम लोग दर्शन करने जाएंगे। राधे राधे। के आज रंगभरणी एकादशी है और इसके अवसर पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु वृंदावन की परिक्रमा करते हैं तथा प्रमुख मंदिरों के दर्शन पूजन करते हैं। इसी क्रम में आज परिक्रमा मार्ग का निरीक्षण और श्री बांके बिहारी जी मंदिर के आसपास की व्यवस्था का निरीक्षण करने पुलिस महानिरीक्षक महोदय, जिलाधिकारी महोदय, हम सभी यहाँ पर हैं। मल्टी लेयर सिक्योरिटी अरेंजमेंट किया गया है, यातायात व्यवस्था बाधित ना हो इसके लिए प्रॉपर पार्किंग की व्यवस्था की गई है, ट्रैफिक की पर्याप्त डिप्लॉयमेंट, PAC सिविल पुलिस की डिप्लॉयमेंट, जिससे यात्रियों को चैनलाइज करते हुए प्रवेश मार्ग तक लाया जाए और वहाँ से चैनलाइज करते हुए निकास मार्ग के तरफ उनको भेजा जाए। मंदिर में अनावश्यक भीड़ न इकट्ठा हो इसके लिए भी पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था, इसमें पुलिसकर्मी, वॉलंटियर्स और मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था भी है। यहाँ पर सभी एजेंसीज एक साथ मिलकर यहाँ के स्थानीय लोगों, सेवायतों तथा सभी लोगों के सहयोग से इस आयोजन को सकुशल संपन्न कराने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है।